जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ हेसेज लॉ, हेसेज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। एक्चुअली हेसेज लॉ कुछ नहीं है, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करता है। बताओ एंथैल्पी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। तो आप ए से बी एक सिंपल सिंगल रास्ते जाओ सिंगल स्टेप में, तो मान लो उसका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच। अब आप बोलो नहीं, मैं तो ए से बी ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो पहले ए से बनाऊंगा सी, फिर सी से बनाऊंगा डी, फिर डी से बनाऊंगा ई, और फिर ई से बनाऊंगा बी। बना ले, एंथैल्पी चेंज तो क्या आने वाला है? बताओ यहां का एंथैल्पी चेंज अगर मैं डेल्टा एच वन बोल दूं, यहां का डेल्टा एच टू बोल दूं, यहां का डेल्टा एच थ्री बोल दूं, और यहां का डेल्टा एच फोर बोल दूं। सो अकॉर्डिंग टू हेसेज लॉ, बताओ डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा, बस यही होता है हेसेज लॉ। तो आपको भी दिख रहा है इसमें हेस की क्या जरूरत है, देख रहा है एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? तो चाहे आप इधर से जाओ चाहे इधर से घूम के जाओ, नेट चेंज क्या आने वाला है आपका सेम। ये काम तो हम एंट्रोपी में कर भी चुके हैं, साइकिल बनाया था ना। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज एक्चुअली ये होता है कि आपको दो तीन रिएक्शन दे देगा, और उन दो तीन रिएक्शन से आपको एक नई रिएक्शन बनानी होती है, और उस नई रिएक्शन का क्या बताना होता है आपको? डेल्टा एच। आपको थर्मोकेमिस्ट्री की शीट थोड़ी मिली अभी तक? नहीं मिली, ठीक है। तो इसमें हमने ये काम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया है, दो तीन रिएक्शन से नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाते थे। हमने इलेक्ट्रो में भी कर लिया डेल्टा जी वैल्यूज के साथ, और वही काम आपको डेल्टा एच के साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, कंफ्यूज किया जाए तुम लोगों को टाइम लग जाएगा, छोड़ो। क्या बाद में करूं, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसका एंथैल्पी चेंज है मान लो -400 किलो जूल पर मोल। फिर आपके पास एक और रिएक्शन है N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस, इसका डेल्टा H2 है मान लो -600 ले लेते हैं। और एक रिएक्शन है आपके पास H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, और इसका डेल्टा एच है वो -500 किलो जूल पर है। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एच फॉर 2NH3 गैस प्लस 5/2O2 गैस गिव्स 2NO गैस प्लस 3H2O। वो तो मुझे पता हो जाएगा, बताना तो पड़ेगा ना कि ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ भाई -1700 एक आंसर आ रहा है। चलिए कुछ नहीं करना, ये आपने केमिकल में सेम काम किया हुआ है। पहले तो रिएक्शन को उल्टा करो, उल्टा करते इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। तो एक काम अपन इधर कर लेते हैं, तो आप रिएक्शन को उल्टा करो तो 2NH3 गैस, अबे रुक जा, गैस इससे क्या बनेगा आपके पास? मैंने इक्विलिब्रियम साइन गलत लगा दिए, सॉरी। ओ
वो आदत खराब हो रखी है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा N2 टू प्लस थ्री एच टू। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना हो जाएगा, प्लस चार। आपको O2 चाहिए, O2 उधर की उधर है, और H2O 3 चाहिए, तो आप इस रिएक्शन को एज इट इज लिखो, N2 टू प्लस O2 गिव्स 2NO, इसका डेल्टा एच कितना है, माइनस 600। और थर्ड रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगी आपके पास, 3H2O। तो डेल्टा एच कितना बन गया, माइनस 1500। अब आप तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, तो जो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप रिएक्शन पे लगा रहे हो वही डेल्टा एच पे लगा दो। रिएक्शन उल्टा की तो डेल्टा एच का साइन उल्टा कर दो, ऐड की तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट की तो सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर दो, किसी नंबर से डिवाइड किया तो सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन चलेगा। अब आप तीनों को ऐड करो तो देखो, एन टू से एन टू गया, एच टू से एच टू गया, टू एन एच थ्री प्लस 5 बाय 2 ओ टू गिव्स वॉट, 2NO प्लस 3H2। यही रिएक्शन चाहिए ना अपने को, तो क्या होगा बताओ, 2100 माइनस 1700, बिल्कुल सही। अब अरे वाह, सही पकड़े हैं। तो देखें, कई बार क्या होता है, हम इतना भावनाओं बह जाते हैं क्योंकि लॉ पढ़ लिया इसलिए, तो ये लॉ पढ़ने से क्या होता है, हर बार हमें कैसे भी क्वेश्चन मिलेगा ना, हम ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको क्लिक करता है तो क्लिक तब करिए जब पहली बार देखोगे, तो आज देख रहे हो, अगली बार क्लिक करना चाहिए। बताओ क्या ये NH3 के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, नहीं है, नहीं है। लेकिन आप इससे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 तो निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, माइनस 200। ये दिख रहा है क्या, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है, लेकिन निकाल तो सकते हो, बताओ कितनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितनी होगी, माइनस 300। क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर है, कितनी है, माइनस 500। आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी ना, फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना, तो 2 इंटू माइनस 300 प्लस 3 इंटू माइनस 500 और माइनस 2 इंटू NH3 की वैल्यू कितनी है, माइनस 200। O2 की तो कितनी होगी, जीरो। देखो आंसर कितना आ गया, माइनस 1700। कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हर जगह भी काम में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि आप पड़ा हर जगह फॉर्मेशन ही निकाल रहे हो। क्वेश्चन देखो, दिखेगा आपको कि हाँ यार सब बनी तो रहे यहां पे। कई बार कुछ और रिएक्शन दे देगा तो ऐसे बड़ा वहां फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, जबकि वो उससे जल्दी हो जाता ऐड करके। तो ये आपका इंटेलेक्ट है और कॉमन सेंस है, वो आप क्वेश्चंस करोगे वहां से डेवलप होगा। ठीक है, तो आज फिर अपन यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और भी बहुत सारे टाइप के एंथैल्पी पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और यहां से आगे बढ़ते हैं।